ये मैंने बहुत ही सिंपल डिमांड की है कि आज अगर मुस्लिम धर्म में देखें आप, तो जिस तरह से स्लॉटर होता है उसकी एक पद्धति है जिसको हलाल कहते हैं, और मुसलमानों में हलाल फूड खाना ये मैंडेटरी है। ये एक सेफ टेक्निक भी है, जो स्लॉटर होता है उससे जितना भी खून होता है, जो गंदा होता है, वो एनिमल के बॉडी से निकल जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि रेस्टोरेंट्स को एक साइन पुट अप करना चाहिए वेदर इट इज़ हलाल और नॉट। मैं ये नहीं कह रहा कि रेस्टोरेंट्स क्या बेचे, आपको हलाल बेचना है बेचिए, नहीं बेचना है मत बेचिए, मेरा कोई वो डिमांड नहीं है। मेरा सिंपल ये कहना है कि आप रिलीजन फ्रीडम के तहत एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए आप एक बोर्ड पुट अप कीजिए कि हलाल है या नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे आप यूके जाएं, आप मिडल ईस्ट में जाएं या फारिस में जाएं, आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स पुट अप दिस साइन कॉल्ड हलाल, और वो साइन नहीं है तो इसका मतलब है हलाल नहीं है। इससे क्या होगा कि आसानी होगी एक व्यक्ति को, और ये रेस्टोरेंट के लिए भी अच्छा है। कई बार हम जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं रेस्टोरेंट में, जाते हैं देखते हैं कि ज़रा क्लैरिटी नहीं है हलाल है कि नहीं, तो वो फैमिली को रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरी फिर रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल बेसिक डिमांड कर रहा हूँ।